हेलो माय फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कालपी शहर के बारे में बताना चाहूँगा, जो काफ़ी फेमस शहर है और बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है कालपी। और कालपी जो है कानपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, 18 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर से कालपी दूरी पर है। और कालपी शहर में कुछ खास खास पुरानी इमारतें हैं, जैसे 84 गुम्बज, जो घूमने लायक अच्छी जगह है। 84 गुम्बज काफ़ी फेमस पुराना पुराना खंडर सा किला है। ये 84 गुम्बज का काफ़ी फेमस जगह है, आप जाएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और दूसरी वहाँ पर लंका मीनार बोलते हैं, काफ़ी ऊंची लंका मीनार बनी है, जहाँ पर बताया जाता है कि कुंभकर्ण बाहर सोता था। और यह मीनार के बारे में यह भी कहते हैं कि यहाँ पर लड़का और लड़की साथ में नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि यह सात मीनार की है, सात मंजिल की मीनार है, और साथ में चलते हैं तो सात फेरे रहते हैं, इसलिए लड़का लड़की कपल यहाँ पर साथ में नहीं चलते, आगे पीछे चलते हैं। और यहाँ पर घूमने लायक काफ़ी अच्छी अच्छी बाजारें भी हैं, छोटी छोटी बाजारें हैं, काफ़ी भरी बाजारें हैं, पर सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मुश्किल से 25 बहुत ज़्यादा हो गई, 6-7 किलोमीटर की रेंज में, या 8-10 किलोमीटर बहुत हो गए, 8 किलोमीटर की रेंज में कालपी फैला हुआ है। एक छोटा सा शहर है जिसको आप कस्बा बोल सकते हैं, कस्बा। तो और यहाँ पर जमुना नदी भी है, और यहाँ से 80 किलोमीटर की दूर पर कानपुर जाएंगे तो कानपुर में गंगा नदी है। तो जमुना और गंगा, यह दोनों नदियाँ काफ़ी बड़ी हैं और आसी पासी हैं। तो कभी भी आप कानपुर जाएं तो यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर कालपी है, और वहाँ ज़रूर जाएं, और वहाँ ज़रूर आप जो भी खास खास चीज़ें हैं, लंका मीनार, 84 गुंबज और वहाँ की बाजार जरूर घूमें।